गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो प्रैक्टिकल्स है क्लास टेंथ का, जो प्रैक्टिकल्स है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन से। ये आपका टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो आप जानते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। एक सिंगल रिएक्टेंट्स डिकम्पोजिस टू या फिर ब्रेक इन टू या फिर स्प्लिट इन टू टू और मोर सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सिंगल रिएक्टेंट लीजिएगा, उसको अगर बाई सुटेबल मीन्स उसको तोड़ा जाए, अंडर सुटेबल कंडीशन उसको तोड़ा जाए, तो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, उसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो सुटेबल कंडीशन क्या हो सकता है, हो सकता है आप हीट दे के तोड़ रहे हो थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट दे के तोड़ रहे हो तो फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे के तोड़ रहे हो तो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो आज हम लोग जो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो थर्मल डिकम्पोजिशन की बात है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या है, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोज करेंगे थर्मली। लेड नाइट्रेट आप जान रहे हो कि PbNO3 होल्ड वाइस, दैट इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट, विच इज व्हाइट कलर सॉल्ट होता है, व्हाइट कलर का होता है क्रिस्टल। इसको मैं हीट करूँगा, हीट करने के बाद क्या ऑब्जर्व होता है, आप चैनल के साथ बने रहें, वीडियो के साथ बने रहें, आपको खुद पता चलेगा क्या दिखेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जब दिख जाएगा आपको क्लियरली, तो NCERT में क्लियरली है जो एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, 1.6 एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं प्रैक्टिकल के रूप में। आप देखिए उसको कि वहाँ पे 1.6 थर्मल डिकम्पोजिशन के बगल में एक फिगर बना हुआ होगा, जिससे कि ब्राउन कलर का गैस निकल रहा होगा, ब्राउन कलर का गैस निकल रहा होगा उसमें। तो वो जो ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड। क्या है, नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड। आज उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। मैं किस तरह से दिखेगा, अभी तक तो आपने किताब में देखा है, आप देखिए यहाँ पे किस तरह से निकलेगा, ताकि आपको थ्योरी जब पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा, और जब आप लैब जाओगे तो आसानी से ये चीज़ आप लेड नाइट्रेट को निकाल सकते हो, डेट इज लेड नाइट्रेट को निकाल के आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। तो हम देखो स्टार्ट कर रहे हैं, इसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, इसे हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्या थर्मल डिकम्पोजिशन है, तो यहाँ पर बर्नर मैं लिया हुआ हूँ, इस बर्नर पर हीट करूँगा, या फिर आप कैंडल पर भी हीट कर सकते हैं, नॉट द मैटर, किसी तरह से आप हीट कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं ठंड इसमें क्या किया, पिंच भर सॉल्ट लूँगा, पिंच भर यहाँ पर सॉल्ट लेने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, पिंच भर सॉल्ट हम लेंगे। यहाँ पे पिंच का मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, चुटकी भर सॉल्ट। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट का सॉल्ट यहाँ पे मैंने ले रहा इस इसमें ले रहे लेड नाइट्रेट सॉल्ट यहाँ पे हम ले रहा, ध्यान देंगे पिंच भर सॉल्ट 2 ग्राम 3 ग्राम जो कि आपके NCERT में दिखा हुआ है। तो इस तरह से मैं सॉल्ट ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बर्न करूँगा, ये बर्नर को मैं बर्न करूँगा। तो देखिए ध्यान देंगे आप, इसको बर्न करने जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। आप एकदम बैठे रहिएगा, बने रहिएगा चैनल के साथ, ठीक है। जाना नहीं है, सीखना है हम लोग को, ठीक है, क्या है ना, हम लोग को सीखना है। तो क्या है कि देखिए बर्नर आपका जल गया, अब स्टार्टिंग में देखेंगे क्या आएगा जब हम उसको हीट कर रहे हैं। आप एकदम ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में कुछ साउंड आएंगे, क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग का मतलब पटपटाने का साउंड, जो क्रैकर कैसे आवाज़ करता है पटाखे। तो देखिए आप ऑब्जर्व कीजिएगा गौर से, कुछ साउंड आ रहा है, जरूर साउंड आएगा, आप अच्छा से ऑब्जर्व कीजिएगा साउंड। उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका वाइट कलर का क्रिस्टल धीरे धीरे येलो में टर्न होगा, येलोइश में टर्न होगा, जो कि लेड ऑक्साइड होगा। और इस माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब से देखिए कुछ गैस निकल, कुछ फ्यूम निकल रहा है, ध्यान दीजिए कुछ ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है, ब्राउन कलर का गैस फ्यूम। तो देखिएगा देखिएगा ध्यान दीजिए आप, देखिए आपके टेस्ट में दिखा रहा हूँ ये निकल रहा है। तो ये जो ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है ये क्या है, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का क्या है डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिए ऑब्जर्व कीजिए, निकल रहा है, निकल रहा है। तो ये जो फ्यूम निकल रहा है दैट इज कॉल्ड ब्राउन कलर नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। यही आपके NCERT में देखिएगा इस टाइप से फिगर बना हुआ होगा, जैसा मैं टेस्ट ट्यूब लिया हुआ हूँ जिस तरह से उसी टाइप से फिगर NCERT में आपका मेंशन होगा। देखिए पूरी तरह से देखिए और देखिए, देखते रहिए कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा, हाँ बिल्कुल निकल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म किए देखें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, बहुत कुछ सीखते जाएंगे एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है, आपका चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, इस तरह से सीखते चलेंगे हम लोग, आपका थ्योरी बहुत ही आसान हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया होगा कि जब लेड नाइट्रेट को सॉल्ट फॉर्म में हीट करें क्या मिला, लेड ऑक्साइड, जो पीला कलर का दिख रहा है
एलॉयस, वही लेड डाइऑक्साइड टर्न हो गया, किसमें टर्न हो गया, एलॉयस का वही लेड ऑक्साइड, वही क्या बनता है लेड ऑक्साइड। रिएक्शन आप लिखेंगे लेड डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म वेल हीटेड विद फॉर्म लेड ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड इन गैसियस फॉर्म एंड प्लस O2। ये चीज़ हम लोग लिखते हैं रिएक्शन में, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई थिंक आपको क्लियरली सारी चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए हम लोग इसी एनर्जी के साथ फिर नए को प्रैक्टिकल में मिलेंगे आपके साथ, नई चीज़ लेके आएंगे, नई चीज़ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है, आपके लिए थ्योरी को आसान किया जाएगा, हर टॉपिक को आसान किया जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोग नए टॉपिक में मिलेंगे, नए आपको थ्योरी के साथ मिलेंगे, नए प्रैक्टिकल के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए एनर्जी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, और टाइम टू टाइम चैनल को आप देखा कीजिए, सब्सक्राइब भी किया कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।